स्किन के फेयरनेस को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। अब ना जाने खूबसूरती के बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर होते हैं, लेकिन स्टिल जो गोरी त्वचा होती है उसको एक खूबसूरती का पैमाना माना जाता है। बहुत सारी माँ बाप को ऐसा लगता है कि काश उनका बच्चा थोड़ा सा और गोरा होता, थोड़ा सा और वो थोड़ा फेयर होता तो वो ज़्यादा क्यूट लगता। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ डियर कि आपका बच्चा जैसा है वो बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट है, क्योंकि वो आपके ऊपर गया है। अगर आपके कलर सांवले हैं, अगर आप डार्क कलर के हैं, तो वाई डू यू एक्सपेक्ट कि आपका बच्चा बिल्कुल फेयर होगा? ऐसा आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टिल मैं आपको कुछ ऐसे टिप बता रही हूँ जिसके आप अपने बच्चे की स्किन को एक से दो टोन फेयरर कर सकते हैं। इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स कवर किया है मैंने, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बच्चे की स्किन केयर बहुत अच्छी करनी है। जो भी ऑयल आप बच्चे को लगा रहे हैं, मेक श्योर करिए कि उसकी जो तासीर है वो ठंडी हो। जी हाँ, ठंडी तासीर, मैंने कहा। अगर आप बच्चे को जो आपके बॉडी की जो आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो आप सरसों तेल से कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो तासीर है वो तीखी होती है, तीक्ष्ण होती है, और साथ ही साथ उसमें उष्ण देने की शक्ति होती है, यानी कि वो गर्मी प्रदान करती है। लेकिन वही तेल अगर आप स्किन पे अप्लाई करते हैं तो उससे बच्चे का कलर थोड़ा सा डार्क हो सकता है, जो कि जनरली देखा जाता है। तो बच्चे को आपको बिल्कुल ऐसी तासीर वाली ऑयल का इस्तेमाल करना है जो बिल्कुल ठंडी हो, जैसे कि ऑलिव ऑयल, या फिर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन दोनों ही तेलों को आपको फेस पे स्पेशली बच्चे के लगाना है। और अगर आप बदन की बात कर रहे हैं तो बदन में अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि सर्दियों के मौसम में बच्चे को सबसे बेहतर होता है मस्टर्ड ऑयल, तो आप मस्टर्ड ऑयल भी लगाइए। लेकिन गर्मियों के मौसम में कम से कम आपको बच्चे को ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। पूरी बॉडी में अगर आप बच्चे को लगाइएगा तो बच्चे की स्किन काफ़ी सपल होगी, सॉफ्ट होगी, और उसका कलर एक से दो टोन फेयरर भी हो सकता है। दूसरी चीज़ आती है स्किन केयर का, कि आप बच्चे को किस तरह से वाइप आउट कर रहे हैं, उसके चेहरे को फेस वॉश कर रहे हैं या फिर नहीं। तो फेस वॉश करने का ये मतलब नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा फेस वॉश आपको बच्चे को रब करनी है फिर पानी से धोना है जैसे बड़े लोग करते हैं। जी नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। सिंपल जो भी आप वाइप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाइप, या फिर अगर सूती कॉटन कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हल्का गुनगुने पानी में अच्छी तरह से कपड़े को निचोड़ लीजिए और अच्छी तरह से बच्चे के फेस को वाइप आउट करिए, पूरे बदन को वाइप आउट करिए। वाइप आउट करने के बाद उसको मसाज कर सकते हैं ऑयल से, या फिर आप कोशिश ये करिए कि कच्चा दूध जो होता है, कच्चे दूध से आप रुई का फाहे में कच्चा दूध बच्चे को अच्छे से स्किन पे लगा सकते हैं और उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। कुछ देर के बाद हल्के हल्के हाथों से रगड़ते हुए आप उसको पूरी अच्छी तरह से वाइप आउट कर सकते हैं। आप ये देखिएगा कि ये इतनी बड़ी रामबाण उपाय है जो मैंने आपको बताई है, उससे बच्चे की स्किन एक से दो टोन फेयरर हो सकती है। क्योंकि गाय के दूध में अच्छे जो केमिकल होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे को नुकसान नहीं क्रिएट करते हैं, और कच्चे दूध में जो लैक्टिक एसिड होता है वो आपके त्वचा में क्लिंजिंग का काम करता है, जो भी डस्ट है, पॉल्यूशन है, या फिर आपको थोड़ा सा उसमें आपको परिवर्तन आएगा। अगर आप डे बाय डे आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद देखिएगा कि आपका बच्चा एक महीने पहले कुछ और दिखता था और एक महीने के बाद उसकी त्वचा में रंगत में कुछ बहुत ज्यादा बदलाव आया है। तो आप इसको नियमित बेसिस पे करके देखिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो कच्ची हल्दी का भी रस आपको ग्रेट करके या फिर पीस करके उसका रस अगर आप निकालते हैं और उसको भी दूध में मिक्स करते हैं, जो कच्चा दूध है उसमें मिक्स करके आप रुई के फाहे से बच्चे की स्किन पे पूरा लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप वाइप आउट करते हैं तो रिजल्ट आपको दुगना मिल सकता है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके पास कच्ची हल्दी अवेलेबल नहीं होती है, तो वो नॉर्मल मार्केट की पैकेट वाली उठा देते हैं, लेकिन उसमें होती है बहुत सारी केमिकल्स। तो केमिकल्स अगर बच्चे की स्किन पे जाएगी तो बच्चे को रैशेस हो सकती है, उसको एलर्जी हो सकती है। तो आप इस तरह की गलती ना करें। अगर कच्ची हल्दी आप लगाते हैं तो वो अच्छी बात है, क्योंकि कच्ची हल्दी से बच्चे को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप पैच टेस्ट करके ज़रूर देख लीजिए, बच्चे के गर्दन के नीचे या कहीं पर भी आप कच्ची हल्दी का एक्सपोजर करके देख लीजिए कि बच्चे को कहीं एलर्जी तो नहीं है। अगर एलर्जी है तो आप हल्दी को स्किप कर सकते हैं। आप सिंपल गाय का दूध आप लेके अच्छी तरह से, जो कच्चा दूध होता है आपके पास जो भी अवेलेबल, उससे आप बच्चे की स्किन को साफ करिए और अच्छी तरह से ऑयल की मसाज करिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल। आप खुद महसूस करिएगा कि बच्चे के स्किन में कितनी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। और मेक श्योर करिए कि बच्चे को मॉर्निंग वाली धूप ज़रूर लगाएं।
मॉर्निंग की धूप बच्चे के लिए अच्छी होती है, जो कि बच्चे को विटामिन डी देके जाती हैं, लेकिन जो एकदम दोपहर वाली कड़ी धूप होती है उनसे आपको बच्चे की रक्षा करनी चाहिए। इन सारी बातों का अगर आप ध्यान देखते हैं तो आप एक महीने के बाद अपने बच्चे की स्किन को खुद नोटिस करिएगा और फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके जाइएगा कि कितनी अच्छी मैंने टिप बताई है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you so much for watching. Twins, my world, baby care.